वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ सेट्स, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है. ये सेट की लास्ट एक्सरसाइज है, ये सारे सबका मिक्सचर है, राइट. इसमें हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स किए हैं, ये लास्ट में सबका कंक्लूजन है. तो इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, राइट. डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर. हमें कुछ सबसेट सेट दिए होंगे, हमें बताना है कौन सा किसका सबसेट है. आपको ए दिया हुआ है सेट एक्स, एक्स जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है एंड सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. ये आपको क्या दिया हुआ है, सेट ए. अगर हम इसके फैक्टर्स बना के एक्स की वैल्यूज निकालेंगे तो आपके क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, सिक्स एंड टू, 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो. एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो. तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 6 और 2. तो आपका a सबसेट क्या बन जाएगा, 2 एंड 6, राइट. क्लियर. नेक्स्ट आपको b दिया हुआ है 2 4 6. b है 2 4 6, सी है 2 4 6 8 इंफिनिटी तक है, और डी है 6, ओनली 6. आपको चार सेट्स दिए हुए हैं. अब हमने ये बताना है कौन सा किसका सबसेट है. आपको देख के पता चल रहा है जो ए है वो बी का सबसेट है, बिकॉज उसमें 2 और 6 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. तो आप देखोगे ए जो है वो किस इसका सबसेट है, बी का. ए इज सबसेट ऑफ सी, ए बी का नहीं है. फिर हम बी की बात करते हैं, बी पे आएंगे 2 4 6, ये किसका सबसेट है, सी का, और किसी का नहीं बनेगा. सी किसी का सबसेट बनेगा नहीं, क्योंकि सारे इससे छोटे हैं. हाँ, डी, डी 6 है, 6 सब में आ रहा है, आप नोट करिए. तो अगर हम डी की बात करें, डी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ बी, डी इज सबसेट ऑफ सी, राइट. ये आपके सारे के आ जाएंगे सबसेट्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन व्हेदर ट्रू या फॉल्स, राइट. आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स, और अगर ट्रू है तो हमें प्रूफ करना है, फॉल्स है तो हमें उसका एग्जाम्पल देना है, राइट. ट्रू है तो हम प्रूफ करेंगे, फॉल्स पे एग्जाम्पल. इसके 6 पार्ट है, हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है आपका एलिमेंट वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और ए बिलोंग्स टू बी, पूरा का पूरा सेट ही बिलोंग कर रहा है बी को, हमें देन लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू बी. अब हमें ये बताना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है. अगर आप एग्जांपल लेके चलिए, अगर हम ए को लेते हैं एक्स कॉमा वाई, राइट. तो एक्स बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है कि एक्स उसका एक एलिमेंट है. अगर हम बी की बात करें, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए जो है वो एज अ एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे. अगर हम इसमें एक एलिमेंट और ले लें, सपोज यही मतलब है इसका, देन एक्स बिलोंग्स टू बी. क्या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि ए वो पूरा का पूरा सेट है, एज अ एलिमेंट आ रहा है आपके पास, राइट. अलग अलग नहीं आ रहा है, एक्स कॉमा वाई नहीं आ रहे, तो आपका क्या बन जाता है, ये फॉल्स. क्या आंसर आएगा, फॉल्स, और उसका एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, राइट. तो आप कहेंगे एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, राइट. सेकेंड पार्ट है इसका, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, आपको दिया हुआ है कि जो ए है वो बी का सबसेट है एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन एक्स ए बिलोंग्स टू सी, ए जो है वो बिलोंग्स टू सी. अब देखिए क्या है आपके पास, अगर हम ए सबसेट लेते हैं बी का, ठीक है, मतलब अगर हम ए कोई भी सेट लेते हैं, सपोज हम एक्स कॉमा वाई लेते हैं, बी का सबसेट है, तो बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड. सपोज ए जो है वो बी के अंदर आना चाहिए एंड बी बिलोंग्स टू सी,
एक अलग सेट है सी, बी बिलोंग कर रहा है, वो पहले वाले पार्ट की तरह है कि जो बी है वो एक एलिमेंट है, बिलोंग तो सिर्फ एलिमेंट करता है, तो हम क्या लिखेंगे बी, और सपोज इसमें एक एलिमेंट ले लो डब्ल्यू, ठीक है, तो क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि ए जो है वो तो प्रॉपर अलग अलग सेट है, इसमें तो कहीं भी नहीं है, तो ए जो है वो आप क्या लिखोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ गया, फॉल्स, क्या आंसर आ गया आपका, फॉल्स, और एग्जांपल आपके दे देंगे। थर्ड है आपके पास ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो सी का सबसेट है, तो आपको ये बताना है देन ए इज सबसेट ऑफ सी। अब इसको भी पहले हम एग्जांपल लेते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है, सपोज अगर हम ए को लेके चलते हैं ए कॉमा बी, बी ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी में सारे एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी, ठीक है, और जो बी है वो किसका सबसेट है, सी का, तो ए बी सी डी, ठीक है, अगर हम सब चलते हैं तो देन ए सबसेट ऑफ सी, वो तो ऑटोमेटिकली होगा जब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर आ गए हैं, और जब बी के सारे एलिमेंट्स हैं जब वो सी के अंदर आ गए हैं, तो ए कॉमा बी तो डेफिनेटली इसका सबसेट होगा ही होगा, तो आप कहोगे इट इज ट्रू, ये क्या है, ट्रू, राइट। नेक्स्ट है आपके पास इफ ए फोर्थ पार्ट है, इफ ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी, इस बार आपको दिया हुआ है कि ना ही ए बी का सबसेट है, बी सबसेट है, ये दोनों ही दूसरे के सबसेट नहीं है, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब देखिए अगर ए बी का सबसेट नहीं है, सपोज हम ए को लेके चल रहे हैं वन टू, ठीक है, अब बी का सबसेट नहीं है मतलब बी अलग एलिमेंट आएगा आपके पास, ठीक है, अब बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि क्या ए भी सबसेट नहीं होगा। अब ट्राई करके देखिए, अगर ये 3.4 है और मैं अब बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है ना, तो अगर ये एलिमेंट ले लू 1, 2, 3, ठीक है, तो बी इज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, बी की बात करें तो बी सी का भी सबसेट नहीं है, अब हम ए की बात करें ए सबसेट ऑफ सी, यहाँ तो हमारी क्या आ गई है, ए जो है वो सी का सबसेट आ गया, इसका मतलब आपका आंसर फॉल्स है। आप एग्जाम्पल दे देना है, यहाँ से पता चलता है कि जो ए है वो सी का सबसेट आएगा, मतलब ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट है, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है वो एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या मतलब है इसका, अगर हम ए एक सेट लेके चलते हैं, एक्स उसमें आएगा ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज ये हम एक्स कॉमा वाई लेके चलते हैं, राइट अच्छा जी, अब जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में नहीं है, तो अगर हम बी को लेके चलें वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो अब ए में तो एक्स है और जो बी ए है वो बी का सबसेट नहीं है, वो कहते हैं देन एक्स बिलोंग्स टू बी, जरूरी नहीं है क्या आपका एक्स ना हो, यहाँ पे हमें एक्स नहीं चाहिए, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, राइट, क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो ये हर कंडीशन के लिए ट्रू होता, हमने ये प्रूव कर दिया भाई, ऐसा हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ए बी का सबसेट भी नहीं है, बट स्टिल हमारा एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज फॉल्स। लास्ट पार्ट है आपके पास सी सिक्स्थ पार्ट, वो क्या कहता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, जो एक्स है वो बी को बिलोंग करता, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, हमें ये प्रूव करना, ठीक है, ए अगर बी का सबसेट, आपको देखिए मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर हैं, सपोज हम ए को लेके चलते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, या एक्स मत लीजिए आप ले लीजिए जेड कॉमा वाई, सपोज कॉमा वाई है और बी ए बी का सबसेट है,
तो आप ये लगा के चलो वाई कॉमा जेड कॉमा अगर आप डब्ल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, तो ए बी का सबसेट है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता, तो वही कहते हैं देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ठीक है, क्योंकि अगर x सपोज अगर यहाँ पे x लेती हूँ मैं, अगर मैं सपोज a यहाँ पे x कॉमा y लेती हूँ, तो अगर b ये दिया हुआ है कि a b का सबसेट है, मतलब जो ये दोनों एलिमेंट्स है इनका यहाँ भी होना जरूरी है, अगर यहाँ पे होना जरूरी है इसका मतलब x बिलोंग्स टू b, तो हमारी क्या आ जाती है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू कि अगर x b को बिलोंग नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली a को भी नहीं बिलोंग करेगा, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, a में जो एलिमेंट्स है वो b में होने जरूरी है सबसेट करने के लिए, तो अगर x यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, तो ये ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी थ्री क्या कहता है, लेट ए बी सी बी द सेट्स, आपको ए सी एक सेट दिए हुए हैं ए बी सी, वो ये कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन A union B is equal to A union C और A intersection B is equal to A intersection C, ये दोनों पार्ट्स आपको गिवन है, आपको शो करना है, शो B is equal to C, ये आपको शो करना। अब एक बार ध्यान से सुनिए, कभी भी आपको दो सेट्स को अगर इक्वल शो करना हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा हमारे पास यही होता है कि हम अगर हमने पढ़ा भी था अगर B जो है वो C का सबसेट हम शो कर दें, B को C का सबसेट और दूसरी साइड हम शो कर दें जो C है वो B का सबसेट है, मतलब हम ये शो कर दें कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के सबसेट है, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा B इज इक्वल टू C, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे लेंगे हम केस वन और यहाँ हम लेंगे केस टू, पहले हम केस वन पे आएंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे x, क्या लेंगे x, हम ये लिखेंगे लेट एक x एलिमेंट बिलोंग्स टू b, कि हम एक एलिमेंट ले रहे हैं x जो b को सेट को बिलोंग करता है, हम और नीचे जाते जाते हम ये प्रूव कर देंगे कि वही x एलिमेंट c को भी बिलोंग करता है, अगर एक x एलिमेंट b अभी c का सबसेट है इससे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा एलिमेंट x b को आ रहा है और वो ऑटोमेटिकली c को जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा सबसेट, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं x इज लेट x बिलोंग्स टू b, अगर वो b को बिलोंग करेगा तो ए के साथ कुछ भी हम बी के साथ कुछ भी हम यूनियन करेंगे उसको भी बिलोंग करेगा, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, क्योंकि यूनियन में तो वो भी काउंट हो जाएगा एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए अगर आप इसको नंबर वन ले और इसको नंबर टू ले, ठीक है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है ए यूनियन सी के, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी फ्रॉम वन, हमें ये फर्स्ट से पता चल गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको वैसे लिखें x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, x जो है वो a या c में से आ रहा होगा ऐसे, अब यहाँ से तो आ गया हमारे पास ये चीज आ गई कि x बिलोंग्स टू b से शुरू हुए थे और हम पहुंच गए x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब b और c क्या है सबसेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी हमें क्या लाना है c, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, अगर a को बिलोंग कर रहा है और यहाँ से b को बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो b को भी कर रहा है और a को भी कर रहा है, तो a इंटरसेक्शन b को भी करेगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, राइट। अगर a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है इंटरसेक्शन c के, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, ये हमारे पास टू से आया है, ठीक है। अब हम इसको देखें, अब हमारे पास आया है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, मतलब a को भी कर रहा है और c को भी कर रहा है, तो हमें क्या लाना था x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, तो आ गया हमारे पास c, तो हम b से शुरू हुए थे c पे आ गए, c पे आ गए मतलब b सबसेट ऑफ c, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, b को इसी के इक्वल, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है,
उसके लिए हमने कहां से शुरू किया है, हमने एक एलिमेंट लिया एक्स जो बी को बिलोंग करता है। अगर हम ये शो कर दें कि वो सी को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब बी जो है वो सी का सबसेट है, तो हमने कहा बी अगर बी को करेगा तो बी यूनियन ए को भी करेगा, क्योंकि हम कुछ भी यूनियन करेंगे उसको भी बिलोंग करेगा। बी यूनियन ए किसके इक्वल दिया हुआ है, ए यूनियन सी के, तो ए यूनियन सी मतलब एक्स ए को भी कर रहा है और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो सी हमारे पास आ गया, पर यहाँ पे ए आया है तो हमें यहाँ भी क्या चाहिए, सी। तो ए की जगह हम कह देंगे कि अगर ए को कर रहा है और यहाँ से वो बी को कर रहा है तो दोनों को कर रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी को कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ए को भी कर रहा है और सी को भी कर रहा है, तो यहाँ से हमारा बी सी सबका प्रूफ। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे क्या, लेट एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सी, सी को करेगा। अगर हम सी के साथ किसका यूनियन करेंगे, ए यूनियन सी को भी करेगा, यहाँ से हम जाएंगे अगर ए यूनियन सी को कर रहा है तो वन से क्या आएगा, ए यूनियन बी को भी करेगा फ्रॉम वन, हमें दिया हुआ ये। इसका मतलब क्या है कि x a को भी करेगा और x जो है वो या तो b को करेगा, a और b, तो यहाँ से c और b क्या, यहाँ पे तो हम पहुंच गए, तो यहाँ बचा है इसको फिर करेंगे, अगर a को कर रहा है और c को कर रहा है मतलब इंटरसेक्शन को भी करेगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c इक्वल है a इंटरसेक्शन b के, ठीक है। a को भी करेगा और b को भी, तो हमारा यहाँ से आ गया कि जो C है वो B का सबसेट है, क्योंकि X जो है वो C, B, B सबको बिलोंग कर रहा है, राइट। जब ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है कि जो B है वो इक्वल टू C है। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शो करना है हमें चार कंडीशंस दी हुई है कि वो इक्वल है, राइट। हमें चार कंडीशंस दी हुई है, पहली कंडीशन है ए इज सबसेट ऑफ बी, दूसरी है ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव, तीसरी है ए और बी का यूनियन बी है, और फोर्थ है ए और बी का इंटरसेक्शन ए है। ये आपको चार कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें इसको शो करना है कि इक्वल है, तो हम इनको कैसे शो करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के। तो पहले तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि ये हमें गिवन है, सपोज करके चलेंगे लेट कि एक कंडीशन हमें गिवन है, बाकी हम सारी प्रूफ कर। अगर हम इसको वैन डायग्राम से करें तो ये देखिए, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट। तो a यहाँ पे ये कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं तो a माइनस बी फाइव, इसी के साथ ही देखिए अगर हम a में से b माइनस करेंगे तो फाइव आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तब भी हमारा ये डायग्राम काम करेगा। a यूनियन b इज इक्वल टू b, a और b का यूनियन क्या आएगा, सारा का सारा, और a इंटरसेक्शन b, a और b का कॉमन क्या आएगा, a, राइट। हमारा यही वैन डायग्राम सबके लिए काम करेगा। तो हमने पहला कंडीशन हम लेके चले, सेकंड पे आते हैं, a माइनस बी को आपको क्या प्रूव करना है, फाइव। अगर हम इसकी एल एच एस से शुरू करते हैं, ठीक है, तो a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन b। मैंने पहले भी बताया था कभी भी दो सेट माइनस हो तो हम फर्स्ट माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन करें, तब भी एक ही बात आती है, ठीक है जी। तो अगर हम अगर हमने ये लेके चले हैं, ये हमारे पास गिवन है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमने क्या किया है, एज्यूम। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन ए आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए जो कि आएगा फाइव, ठीक है। तो हमारा ये प्रूव हो गया, राइट।
थर्ड है हमारे पास ए यूनियन बी को हमें बी शो करना है। वैसे तो वेन डायग्राम से देखा जाए हम कर सकते हैं, अगर इसको वैसे प्रूफ करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी अब समझाया था कि अगर हम दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, एक को सबसेट प्रूफ करेंगे दूसरे का, जिसमें भी अगर हम दो केसेस लगा के चलेंगे कि ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी ऐसे, और एक बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। हम एक दूसरे को दोनों का सबसेट प्रूफ करके चलेंगे। तो हम कहां से कैसे लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ऐसे ही करा था ना हमने, तो एक एलिमेंट लिया जो उसको बिलोंग करता है, और इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है कि ए बी का सबसेट है, तो उन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, बी। तो आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू बी, क्योंकि यहां से तो बी आ ही रहा है ऑलरेडी। और अगर हम यहां बात करें ए, ए जो क्या है वो बी का सबसेट है, तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। हम इसके राइट साइड पे चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर बी को कर रहा है तो बी के साथ हम कुछ भी यूनियन करेंगे उसको भी करेगा, दैट्स इट, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। हम ये प्रूफ करना था, तो जब दोनों के एक दूसरे के सबसेट हो गए तो हमारा ऑटोमेटिकली दोनों सेट्स के आ गए इक्वल, राइट। नेक्स्ट है सिमिलरली हमने इंटरसेक्शन का प्रूफ कर देंगे, जहां पे हमारे पास यूनियन है वहां पे हम इंटरसेक्शन लेके यहाँ पे ए आ जाए, राइट। Show that if A is subset of B, then आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा गिवन और हमें क्या प्रूव करना है बोलिए, हमें सिर्फ एक सबसेट इज इक्वल टू नहीं प्रूव करना, सिर्फ सबसेट। हम यहां से शुरू करेंगे तो सोल्यूशन आएगा लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी x एलिमेंट जो है वो c को करता है बट b को नहीं करता, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही मतलब है इसका, सी को करता है पर बी को नहीं करता। अब ए जो है वो बी का सबसेट दिया हुआ है, मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में जाएंगे, तो अगर एक्स बी को ही नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो ए को भी नहीं करेगा। आपको साथ में रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि सी को कर रहा है बट ए को नहीं कर रहा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका एक्स एलिमेंट कहां से शुरू हुआ था, कि c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, प्रूफ क्लियर। इसमें आपको एक ही पार्ट प्रूफ करना था तो हम दूसरा केस नहीं लेंगे क्योंकि सबसेट था, और अगर इज इक्वल टू होता तो हम दोनों पार्ट्स लेते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम दैट, हमें एज्यूम करना है पावर ए इज इक्वल टू पावर बी, ये आपको गिवन है, आप इसको चाहे कर्ली ब्रैकेट या सेट इसमें सोचना, सिंपल राउंड ब्रैकेट ले लिया करो, ठीक है। नाउ है पावर आपको दिया हुआ है, आपको शो करना है A इज इक्वल टू बी, ये आपको क्या करना है, शो। कैसे शो करोगे, वही इज इक्वल टू है, दो केसेस लेंगे हम, A में लेंगे A सबसेट ऑफ B, केस टू में लेंगे B इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, पहले की तरह x बिलोंग्स टू A, तो लेट x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर कोई सेट हमारा ए को बिलोंग कर रहा है,
अगर उसको सबसेट बनना है तो वो कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे हम, तो क्या इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो सबसेट क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, और अगर कर्ली ब्रैकेट में सबसेट है a का तो पावर सेट का भी होगा, x जो है वो सबसेट पावर सेट का भी होगा। बट आपको जो पावर सेट है वो किसकी इक्वल दिया हुआ है, b के, तो आप ये लिखोगे सबसेट x इज सबसेट ऑफ पावर ऑफ b, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर वो पावर का सबसेट है नॉर्मल सेट का भी सबसेट होगा, ठीक है। और अगर सबसेट है, अगर हम बिलोंग करेंगे तो x बिलोंग्स टू b आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू b, हमें यही प्रूफ करना था, हम a से स्टार्ट हुए थे और b पे पहुंच गए, ठीक है। अब हम सिमिलरली दूसरी साइड चलते हैं, अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है b को a का, तो लेट x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अगर b को बिलोंग कर रहा है तो अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट, और पावर सेट का भी बन सकता है वो, पावर सेट ऑफ बी। और पावर सेट बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर कर्ली में डालेंगे तो वो ए का भी सबसेट होगा, और अगर हम एलिमेंट में डालेंगे तो वो ए को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम x बिलोंग्स टू b से शुरू हुए थे और हम x बिलोंग्स टू a पे आ गए, इससे पता चलता है b इज सबसेट ऑफ a, इससे पता चलता है a इज सबसेट ऑफ b, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू b, राइट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको वो कह रहे हैं कि क्या ये ट्रू है, और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो भी कैसे, आपको इसका आंसर बताना है ये ट्रू या फॉल्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ये 1 2, ए सिंपल है, बी लेते हैं हम 2 3, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, चल यहां तक आ गया समझ। अब हम इनके क्या कहेंगे, पावर सेट, आप निकालिए ए का पावर सेट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट बड़ा 5, और क्या आएगा 1, और क्या आएगा 2, और क्या आएगा 1, 2, और कर्ली ब्रैकेट 1, ये पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट आता है पावर सेट ऑफ बी, 5 2 3 2 3 5 2 3, ठीक है जी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का, अच्छा अभी हम पहले चलो इकट्ठा ही कर लेते हैं, पहले ए यूनियन बी का पावर सेट, अब इसका निकालें तो 5, 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 1 2 2 3 1 3, ये ऐसे ही आएगा ना आपके पास, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2। अब हमें LHS पे आते हैं, LHS क्या कहती है, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में क्या आएगा, 5 एक बार आएगा, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 1 2 और एक बार 2 3, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या ये दोनों इक्वल है, अब अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या ये इक्वल है, नो दिस इज नॉट इक्वल, तो आंसर क्या आता है फॉल्स, आंसर क्या आता है फॉल्स।
और ये उसका एग्जाम्पल है आपके पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शो करना है आपको फॉर एनी सेट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और इसका दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये आपको शो करना है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ये बता रखा है ए और बी एक साथ है, सिंपल सेट। अब हम शुरू करें, राइट साइड से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे ही कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हम ए इंटरसेक्शन बी को एज सच रखेंगे, बीच में यूनियन भी एज सच रहेगा। हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, और एक तो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हम करते हैं, बट इसमें क्या है माइनस तो स्टिल रहा। मैं माइनस रिमूव करने के लिए क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी को मैं एक लिख सकती हूँ, ए माइनस जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटरसेक्शन से, किससे, इंटरसेक्शन से, और जो बी है वो क्या आ जाएगा, बी डैश, बी क्या आ जाएगा, बी डैश। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकती हूँ। चाहे इसको आप वेन डायग्राम में भी बना के देख लीजिए, ये है आपके पास a माइनस बी, क्या होएगा ये वाला, a में से अगर हमने b माइनस कर दिया, और अगर हम जो ये वाला डायग्राम a इंटरसेक्शन b डैश, ये है a के साथ इंटरसेक्शन b डैश, मतलब b को छोड़ के बाकी सारा कुछ, तो उनका कॉमन भी यही आएगा, तो ये दोनों वेन डायग्राम क्या आते हैं, इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, क्या मैं इसमें से a इंटरसेक्शन और a इंटरसेक्शन कॉमन निकाल दूं, a इंटरसेक्शन कॉमन निकाल दिया, राइट, क्या बचा, बी यूनियन बी डैश। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो बी यूनियन बी डैश क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ठीक है, और ए और यूनिवर्सल में इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कॉमन क्या आएगा, ए, विच इज इक्वल टू LHS, which is equal to LHS, right? हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसमें से हम LHS से शुरू करते हैं। A intersection, अब यहाँ पे भी मैं वही चीज करूँ, A intersection B as such, माइनस को किससे रिप्लेस करेंगे, इंटरसेक्शन से, और A को A dash से, right? अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो कैसे खुलेगी, ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, बीच का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए सॉरी ए डैश, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए डैश में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फाइव, और ए इंटरसेक्शन बी का फाइव के साथ क्या आएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, एक सेकेंड सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका यूनियन था, आई एम सॉरी, ये आपका यूनियन था, तभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन, तो क्या खुलेगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन के साथ बी, बीच में इंटरसेक्शन, ए के साथ ए बार का, ए डैश का यूनियन, राइट। अब ए और ए डैश का यूनियन क्या आएगा, पूरा यूनिवर्सल, बीच, और ए यूनियन बी ऐसे जाएगा। अब ए यूनियन बी और यूनिवर्सल में कॉमन क्या आएगा, ए यूनियन बी, तो दिस इज योर आरएचएस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, हमने क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज। एक यूनियन, दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करूंगी, एक पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अब आप इसमें सिंपल आपको पता चल रहा है एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या खुलेगी, ए यूनियन ए बीच का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए बीच का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए के साथ ए का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए, अब बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप खुद देखिए ए और ए यूनियन बी में कॉमन क्या आएगा, अगर हम वैन डायग्राम बनाते हैं तो ए यूनियन बी क्या आता है, ये सारा, और ए ए के साथ कॉमन क्या आएगा, ए और ए यूनियन बी में कॉमन क्या आएगा, ये ए, तो दिस इज योर ए, बिकॉज जो ए यूनियन बी है, जो आपका ए है वो सबसेट बन जाएगा ना इसका, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि जो ए यूनियन बी में ए जो आएगा ही आएगा, तो आपका आंसर आ जाता है ए। सिमिलरली आप इसका राइट दूसरा पार्ट ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन, वो ये कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए जो है बी का इंटरसेक्शन इज ए इंटरसेक्शन सी, ए और बी का इंटरसेक्शन जो है कहां, ए और सी का इक्वल है, नीड नॉट इम्प्लाई, क्या क्वेश्चन है, नीड नॉट बी टू सी, क्या कह रहे हैं वो कि ये दोनों इक्वल है, तो क्या इस मतलब ये जरूरी है या नहीं है कि बी सी के इक्वल हो। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज हम एक ए सेट लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, अब हमें इसका मतलब दोनों में बी में भी कुछ आना चाहिए, बी और सी ये है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए, तो हम इस तरीके से एलिमेंट लेंगे कि जो दोनों का इंटरसेक्शन, सपोज में 2 3 है, इन दोनों को मैं इसमें भी लूंगी और इसमें भी लूंगी, 2 3 2 3, अब मुझे ये पता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल आना चाहिए, बट तो इक्वल नहीं शो करने, तो आप ये ले सकते हैं, एक को 5 ले लो, एक में 6 ले लो, राइट, अभी दोनों अलग अलग सेट हैं आपके पास, 2 3 5 2 3 6, ये अलग है, इक्वल नहीं है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 3, और उधर आप ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी में कॉमन क्या है, 2 3, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल नहीं है, बट स्टिल उन दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल है, आपको यही शो करना था, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वो ये कहते हैं ए और बी दो सेट्स हैं, आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये भी आपको क्या है, गिवन, ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं, आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी, ये आपको प्रूव करना है। अब वही आ गया, दो सेट्स को इक्वल शो करना है, तो हम क्या बनाएंगे, केस 1 केस 2, इसमें हम क्या प्रूव करेंगे, ए को बी का सबसेट और इसमें बी को ए का सबसेट, राइट, वही शुरू करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर ए को बिलोंग करेगा,
अब हमारे पास बी की जगह एक्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ए के साथ हम कुछ भी यूनियन करेंगे उसको भी बिलोंग करेगा, बट मुझे तो अब यहाँ से मैं ए से शुरू हुई हूँ ना, और मुझे किस पे जाना है, बी पे, तो मैं ये लिखूंगी अगर ए यूनियन एक्स को कर रहा है तो बी यूनियन एक्स को भी करेगा, हमें गिवन है, बिकॉज ये आपको गिवन है, आपको लिखना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स बी को भी, बी और एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यूनियन है ना बीच में, ठीक है। अब एक्स बिलोंग्स टू बी तो आ गया, यहाँ से तो आ गया ए सबसेट ऑफ बी, पर यहाँ से नहीं आया। अब देखिए यहाँ से आता है एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ से आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसका मतलब ये आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स है वो ए को भी कर रहा है और वो एक्स को भी कर रहा है। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और एक्स में इंटरसेक्शन क्या है, फाइव, मतलब इनका कॉमन क्या है, फाइव, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि अब ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एक्स ए को भी कर रहा है और एक्स को भी, क्यों, इनके बीच में तो कुछ कॉमन है नहीं, और इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास आ रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ ये, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, अब हम बी से स्टार्ट करके ए तक जाएंगे, अगर बी को कर रहा है तो बी के साथ हम यूनियन करें एक्स का उसको भी करेगा, अब बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के, इसका मतलब एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो एक्स को भी बिलोंग करेगा, राइट। अच्छा अब ए को बिलोंग करेगा ये तो प्रूव हो गया, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी वही है, एक्स बी को कर रहा है, एक्स एक्स को भी कर रहा है, मतलब इनके हिसाब से एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स को भी कर रहा है, बट आपको क्या है उसका इंटरसेक्शन भी क्या है, फाइव, तो इसका मतलब ये भी फाइव है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई है हमारी, क्या हो गई, रिजेक्ट, बिकॉज ये उनका कॉमन हो ही नहीं सकता, तो आंसर आ गया ये, तो ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। बस आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपको दो सेट्स को इक्वल शो करना हो तो आप क्या करोगे, उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करोगे केस वन और केस टू लेकर, उसके बाद आप एक एक्स एलिमेंट लेंगे, जैसे अगर आपने ए सबसेट ऑफ बी शुरू करना है तो आप एक्स बिलोंग्स टू ए लेंगे और करते करते आप एक्स बिलोंग्स टू बी तक आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड आप एक्स बी को अगर ए का प्रूव करना है तो आप एक्स बिलोंग्स टू बी से शुरू होंगे और करते करते आप एक्स बिलोंग्स टू ए तक आ जाएंगे, उससे आपका सबसेट शो हो जाएगा, एंड अगर दोनों ही सबसेट्स हैं तो आपका ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जितने भी ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्या कहता है, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, वो ये कहते हैं ये सारे नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है, राइट, और हमें और ए भी है कि जो तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें वो फाई है, ये हमें दिया हुआ है, तीनों का तो फाई है और अगर हम दो दो का करें तो वो फाई नहीं आ रहा, तो हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, मतलब हमें ए बी सी ऐसा सोचना पड़ेगा कि तीनों में तो कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करते हैं वन टू, सिंपल लेते हैं वन टू, अच्छा जी अगर हम बी में ले टू थ्री, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, टू, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, टू, बी और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए, थ्री कॉमा फोर लेते हैं अगर, ठीक है, थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा वन, अब बी सी में कॉमन क्या है, थ्री, ठीक है। अब हम ए और सी में लेते हैं, ए और सी में कॉमन क्या है, वन, और इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, एक में वन टू है, एक में टू थ्री है, एक में थ्री वन है, इन तीनों के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कॉमन हो, तो इन तीनों का क्या आ जाता है, फाइव, तो ये आपके तीन सेट्स आ जाएंगे, आपको यही निकालने थे जिसमें आपने अलग अलग शो कर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन,
क्वेश्चन नंबर 13 है, 600 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कितने स्टूडेंट्स हैं? 600, 150 जो है टी ले रहे हैं, अगर हम एम ए लेते हैं वो कितना है? 150, 225 कॉफी ले रहे हैं, राइट, और 100 जो है वो दोनों चीजें ले रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन आएगा, क्लियर। हमें निकालना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। अब तक आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आए, नाइदर टी नॉर कॉफी, इसका मतलब क्या है? ना ही टी ना ही कॉफी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से अगर हम ए यूनियन बी माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है, जो कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दिया हुआ, इसका मतलब यूनिवर्सल, क्योंकि हम यूनियन निकालेंगे तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, सॉरी, ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो एन ए कितना है? 150, एन बी कितना है? 225, और कॉमन कितना है? 100। तो ये कितना आ जाएगा? 150 प्लस 125, दैट इज 275, ठीक है जी। ये तो आ गया यूनियन, पर हमें तो ये निकालना था, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अगर हम यूनिवर्सल में से 600 में से 275 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 325। वो हमारे ऐसे जो ही ना ही कॉपी ले रहे हैं और ना ही टी ले रहे हैं, राइट। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स है आपके पास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 जो है वो हिंदी, अगर हम हिंदी को ए लेके चले तो 100, इंग्लिश 50, ठीक है, और जो दोनों है बोथ के लिए 25, मतलब इंटरसेक्शन, राइट। हमें निकालना है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश किसी न किसी बच्चे को आती ही आती है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। तो आपको सिंपल है, आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, टोटल तभी आएगा जब वो कह रहे हर एक बच्चा, एटलीस्ट हर एक बच्चे को कुछ न कुछ आता है, हमें यूनियन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए क्या है? 100, बी क्या है? 50, और इंटरसेक्शन क्या है? 25। तो 150 माइनस 25, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 पीपल हैं, कितने पीपल हैं? 60, उसमें 25 न्यूज़पेपर एच रीड कर रहे हैं, एच कितना है? 25, 26 पी, पी कितना है? 26, 26 आई, आई कितना है? 26, 9 एच एंड आई, एच इंटरसेक्शन आई, एच एंड आई मतलब एच इंटरसेक्शन आई 9 है, H एंड T मतलब H इंटरसेक्शन T कितना है? 11, और T एंड I मतलब T इंटरसेक्शन I है 8, 9, 11, 8, एंड 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I तीनों में तो यही आएगा, वो है 3। हमें निकालना है, फाइंड, दो पार्ट है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट आपका एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, who read at least one of the newspaper। जब भी at least one आएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम क्या निकालेंगे, A union B union C, मतलब H union T union I, ये हमने निकालना है। तो तीन का क्या फॉर्मूला बताया था, N of H
एन ऑफ टी एन ऑफ आई, तीनों का प्लस करेंगे माइनस दो दो का सब्ट्रैक्ट करेंगे। एच इंटरसेक्शन टी को सब्ट्रैक्ट, टी इंटरसेक्शन आई को भी सब्ट्रैक्ट, एच इंटरसेक्शन आई को भी सब्ट्रैक्ट प्लस, और तीनों का क्या हो जाएगा प्लस। अगर हम अपनी वैल्यूज डालें 25 प्लस 26 प्लस 26, ठीक है, -9 -11 -8 +3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा H यूनियन T यूनियन I, दैट इज फर्स्ट पार्ट एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 26 प्लस 26 52 प्लस 25 77 77 माइनस 9, अगर आप सॉल्व करेंगे 77 माइनस 77 प्लस 3 आ जाएगा आपके पास 80 80 माइनस 28, ये आ जाएगा आपके पास 52, क्या आ जाएगा 52। तो आपका आंसर आ गया 52, ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ रीड करेंगे। नेक्स्ट है हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसके ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे तीन वेरिएबल्स होंगे एच टी एंड आई सेट, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने एक वेन डायग्राम बनाना है, राइट, उसमें आपने तीनों सेट्स शो करने हैं, ए बी मतलब एच टी जैसे आपके और एक आई। तो अगर आप इसको H लेते हैं, इसको T लेते हैं, इसको I लेते हैं, राइट, ध्यान से सुनिएगा। H है 25, आपने क्या करना है, इनके अंदर नंबरिंग करनी है A B C D E F G, समझ आया, जो सारे के सारे को हमने नंबरिंग करनी है, क्योंकि छोटे पार्ट्स हैं हमारे पास। तो अगर अब हम क्या करेंगे, हमने अलग अलग करके सारे निकालेंगे A B C D E F G, कैसे देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, H 25 है, H क्या है ये पूरा सर्कल, H क्या है 25 और ये क्या है पूरा सर्कल, तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, A प्लस B प्लस E प्लस G, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा सर्कल कवर करवा रहे हैं A प्लस D प्लस E प्लस G, उससे आपका पूरा H का सर्कल कवर होता है, राइट। नेक्स्ट है T, T कैसे बना है, T ये क्या है 26, कैसे D प्लस B प्लस G प्लस F, D प्लस B प्लस G प्लस F, ये क्या बनता है आपका T 26। I ये क्या है I, I भी क्या है 26, अब ये कैसे बना है E प्लस G प्लस F प्लस C, C प्लस E प्लस F प्लस G, ये आपके बन गया। आ जाओ नेक्स्ट, अब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, H इंटरसेक्शन I, H और I का इंटरसेक्शन क्या है, ये दोनों E प्लस G प्लस G, ये क्या है आपके पास 9, H इंटरसेक्शन I, राइट। नेक्स्ट है आपके पास T और I का इंटरसेक्शन, T और I, अब T और I का कॉमन क्या है G प्लस F, तो G प्लस F, ये कितना दिया हुआ है आपको 8, राइट। नेक्स्ट है आपके पास H और T का इंटरसेक्शन, H एंड T का इंटरसेक्शन, वो कितना दिया हुआ है 11, वो कैसे आएगा H और T का, ये छोटी सी लीफ आएगी D प्लस G, D प्लस G इज इक्वल टू 11, क्लियर। और ये सेंटर का है, ये मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, तो G क्या आ गया आपके पास 3, दैट इज H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, समझ आया आपको अब तक हमने कैसे नंबरिंग करी है। अब हम G, जब हमारे पास G की वैल्यू क्या आई हुई है 3, अगर G की 3 है हम इसमें डाल दें तो D कितना आ जाएगा 11 माइनस 3, दैट इज 8, हमने एक एक करके सारी निकालनी है वैल्यूज। देखिए हमने जब G की वैल्यू यहाँ पर आई
तो D plus 3 is equal to 11, तो D आ गया 8. अब हम यहाँ पर डालते हैं G की वैल्यू. G कितनी है? 3. F plus F is 8. तो F कितना आ जाएगा? 8 minus 3, 5. हमने निकालने D निकल गया, G निकल गया, F निकल गया. अब हम यहाँ पर डालेंगे G की वैल्यू 3. तो E plus 3 is equal to 9. तो E क्या आ गया? 6. E क्या आ गया? 6. तो आपके पास D E F G आ गया. अब आप आते यहाँ पर. यहाँ पे आप डालो एक हम निकालने के लिए D कितना है? 8. ठीक है. E कितना है? 6. और G कितना है? 3. इन सबको प्लस करके कितना आना चाहिए? 25. यहाँ डाल दो 25. तो A कितना आ जाएगा? 8 प्लस 16 40. 14 प्लस 3 17. 25 माइनस 17 8. A आ गया आपके पास 8. अब हम इसमें डालें, इसमें डालेंगे D प्लस B प्लस G प्लस F. D प्लस G, हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, D की वैल्यू क्या है? 8. B की हमें पता नहीं. G की 3 और F कितना निकाला अभी हमने? 5. ये किसके इक्वल है? 26 के इक्वल. ठीक है. तो B कितना आ जाएगा? 8 प्लस 3 11. 11 प्लस 5 16. 26 में से 16 गए 10. तो B कितना आ गया? 10. अब हम इसमें डालेंगे C प्लस E प्लस F प्लस G. C, E कितना है आपके पास? 6. F, 5. और G कितना है? 3. ये किसके इक्वल आ रहा है? 26 के. तो 6 प्लस 5 11. 11 प्लस 3 14. तो ये आ गया 12. C आ गया 12. तो हमारे पास क्या आ गया? A, B, C, D, E, F, G. G है 3, F है 5, E है 6, D है 8, C है 12, B है 10 और A है 8. अब इन सबको प्लस करते हैं. 10 प्लस 8, 18. 18 प्लस 12, 30. 30 प्लस 8, 38. 38 प्लस 6, 44. 44 प्लस 5, 49. 49 प्लस 3, 52. तो याद रखना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, मतलब इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो वो आपका यूनियन के बराबर आना चाहिए. दैट इज H यूनियन T यूनियन I. अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले भी जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था तो उससे भी हमने क्या निकाला था? 52 ही निकाला था. तो अगर यूनियन, मतलब अगर हम सबको प्लस कर देंगे तब हमारा यूनियन सेम आएगा. राइट. अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. क्या कहा उन्होंने? एग्जैक्टली वन, या तो एच या टी या ए आई. एग्जैक्टली वन. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. तो इसमें क्या आएगा? वन का मतलब सिर्फ वही वाला. एग्जैक्टली तो खाली ए आएगा, दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ एच, जिसमें बाकी दूसरा कोई नहीं आएगा. तो या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा. तो ए प्लस बी प्लस सी. तो ए कितना है? 8 प्लस 10 18. 18 प्लस 12 30. तो ये आ गया आपके पास 30 आएगा. एग्जैक्टली वन. राइट. समझ आया आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन? हमने इसको ए बी सी डी ई एफ जी में डिवाइड किया ताकि जब हमारे पास जो जो हमें सेक्शन वगैरह उनमें हमने इसको अल्फाबेटिकली डिवाइड किया. फिर हमने जो जो एक एक वैल्यू दी हुई थी उससे हमने बाकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करी. उससे हमारी वैल्यू, अगर हम इन सबको करेंगे तो हमारा यूनियन आता है और जो जो हमें पार्ट निकालना होगा वो हम अप्लाई करेंगे. राइट. लास्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसलेनियस का. वो भी सेम टर्म्स पे है. ए वो आपको 21 दिया हुआ है, बी है 26, सी है 29, ए और बी का 14, 12 ए एंड सी, और है 14 बी एंड सी. बी एंड का मतलब इंटरसेक्शन है.
राइट 14, 12, 14 एंड 8 लाइक ऑल. तो इंटरसेक्शन क्या आ गया 8. अब आपको निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. अब सिर्फ सी माना है, एग्जैक्टली वन नहीं बोला, सिर्फ सी मतलब एक ही चीज के बारे में. तो हम इसमें क्या करेंगे, वैन डायग्राम बनाएंगे पहले की तरह, ए बी सी डी ई एफ जी. इसको आप ऐसे लिखिए, ठीक है. आप देखिए ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है. तो ए 21 कैसे कैसे बनेगा, ए इसको साफ लिख, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये क्या आ गया 21. ठीक है, अब हम आते हैं बी पे. बी किससे बना है, डी बी जी एंड एफ, डी बी जी एंड एफ, राइट. ये है 26. ठीक है, किससे बना है, ई जी एफ एंड सी. तो ई प्लस एफ प्लस जी प्लस सी, ये कितना है आपके पास 29. ठीक है, अब हम दोनों के इंटरसेक्शन दो दो के शुरू करें. ए बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, डी प्लस जी, ये कितना दिया हुआ है 14. ए और सी, ई प्लस जी, ये कितना दिया हुआ है 12. ठीक है, और बी और सी का क्या है, जी प्लस एफ, ये दिया हुआ है आपको 14, और तीनों का जी दिया हुआ है 8, राइट. अब हमें क्या निकालना था, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. सी ओनली मतलब सिर्फ ये, तो हमें क्या निकालना है, स्मॉल सी. ठीक है, स्मॉल सी हम ये यहां से निकालेंगे. उसके लिए हमें ई एफ जी चाहिए, जी हमने 8 दी है, यहां से एफ निकालो, एफ डालेंगे, जी की वैल्यू 8 प्लस एफ इज 14, तो एफ आ गया 6. एफ क्या आ गया 6. यहाँ पे डालेंगे E प्लस जी, जी कितना है 8 इज इक्वल टू 12, तो E कितना आ गया 4, E कितना आ गया 4. यहाँ पर डालेंगे D प्लस जी, D प्लस 8 इज इक्वल टू 40, तो D आ गया 6, D आ गया 6. अब हम इसमें डाल दें सारी वैल्यूज, E, E कितना आया है 4, F कितना आया है 6, G कितना है 8 प्लस C इज इक्वल टू 29. तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, उधर जाके C आ जाएगा 11, C आ जाएगा 11, राइट. तो दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड इसके साथ हम सेट का टॉपिक फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.